बिना काम के कैसे राखी कमाती हैं लाखों रुपए, फिल्मी करियर ठप, फिर कैसे चलाती हैं खर्च, कहां से बना ली करोड़ों की जायदाद, बंगला और गाड़ी। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत का आज यानी 25 नवंबर को 44वां जन्मदिन है। राखी सावंत भले ही लंबे समय से फिल्मों से दूर हूं, लेकिन खबरों में रहना उन्हें बेहतर आता है। बिना फिल्मों के एक्टिंग के भी वो आलीशान जिंदगी जीती हैं। मीडिया में छाई रहती हैं, कई बार अपने रिलेशंस को लेकर खूब चर्चा में भी रहती हैं। लेकिन आज आपको बता रहे हैं उनकी कमाई के बारे में, क्योंकि फिल्मी करियर ठप होने के बावजूद रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। लेकिन सवाल ये है कि बिना फिल्म करे आखिर एक्ट्रेस के पास इतना पैसा आया कहां से? चलिए आज हम आपको बताएंगे राखी सावंत के नेटवर्थ के बारे में। अक्सर राखी सावंत कभी कभी बिग बॉस शो में एंट्री करती रहती हैं। हाल ही में खबर आई थी कि राखी सावंत और उनका बॉयफ्रेंड आदिल बिग बॉस में जल्द नजर आएंगे, लेकिन शो मेकर्स की ओर से ऐसी खबर नहीं आई कि वो शो में एंट्री करेंगी या फिर नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस के शो में राखी सावंत को मोटी रकम मिली थी? राखी सावंत के करियर की शुरुआत यूं तो आइटम सॉन्ग से हुई थी, साथ ही छोटे मोटे रोल उनकी झोली में आते थे। उनके इन्हीं आइटम सॉन्ग से फैंस के दिलों में उन्होंने जगह बनाई। राखी सावंत ने ना हिंदी सिनेमा में बल्कि तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शोज में भी किए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राखी सावंत के पास आज करीब 37 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राखी सावंत की कमाई स्टेज शो, रियलिटी शोज और विज्ञापन से होती है। इन सब से राखी को मोटी रकम मिलती है। इसके साथ ही राखी सावंत के पास मुंबई में 2 अपार्टमेंट हैं और एक बंगला भी। राखी के बंगले की कीमत 11 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। उनका यह बंगला किसी लग्जरी होटल से कम नहीं है। राखी सावंत को महंगी गाड़ियों का भी शौक है। उनके पास फोर्ड के एंडेवर और फॉक्स वैगन की पोलो कार भी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राखी सावंत बाकी एक्ट्रेस की तरह ही आलीशान जिंदगी जीती है। उनका लाइफ स्टाइल बाकी एक्ट्रेस से कम नहीं है। राखी सावंत भले ही एक्टिंग करियर से दूर हों, लेकिन कई बार कंट्रोवर्सी का भी शिकार रही। कभी अपने विवादित बयानों को लेकर, कभी अपने रिलेशंस के बारे में अक्सर वो ट्रोल भी होती रहती। इसके साथ ही राखी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती। आए दिन वो अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। आपको बता दें कि राखी सावंत का असली नाम नीरू भेड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। हालांकि नाम बदलने की वजह राखी ने कभी नहीं बताई। राखी अक्सर ही उलूल जुलूल हरकतों और बयानों से कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रहती है। बिग बॉस 14 में पार्टिसिपेशन के दौरान उन्होंने बताया था कि वे शो के दूसरे कंटेस्टेंट के अंडरवियर धोती थी। राखी ने यहां तक कह दिया था कि उन्हें इस तरह का जुनून रखने में कोई गलती नहीं लगती। आज लाखों में कमाने वाली आइटम गर्ल राखी सावंत कभी खाना चुरा कर खाती थी। बिग बॉस के दौरान ही राखी सावंत ने बचपन का एक किस्सा शेयर किया था। इस किस्से में राखी ने बताया था कि वो चूंकि हॉस्टल में बचपन में रहती थी और वो गरीब थी, तो इसलिए उन्हें और उनकी बहन से भेदभाव किया जाता था। अमीर बच्चों का अच्छा खाना दिया जाता था और उन्हें नहीं, इसीलिए वो अमीर बच्चों का खाना चुरा लेती थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।